ସେମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବି ବାଦ୍ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରାଗଲା ଏହି ଘର। ଏଠି ପିଇବାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଅଛି, ବିଜୁଳି ବି ଅଛି, ଶୋଇବାକୁ ଖଟରେ ଗଦି ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତିର କେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବେଳେ ଘରୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ମାନ୍ୟତାକୁ ହଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଶେଷମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁର୍ମା ଘର। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମାରେ ଗାଁ ମେ ସବ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ହେଇଥିଲେ, ଆମାରେ ସମାଜ ମେ ଇଏ ମାସିକ ପାଡ଼ି କେ ଦୌରାନ ମହିଳାଓଙ୍କୁ ଗାଓକେ ବାହାର ରଖା ଯାତା ହେ ଔର ହମ ଯାହା ରହତେ ଥେ ମାସିକ ପାଡ଼ି ଦରମିଆନ ବାହା ହମାରେ ରହନେ କେ ଲିଏ ଦୋ ଘର ଥା ଓ ଅଚ୍ଛି ତରହ ସେ नहीं बना था, उसमें कोई भी सोई सुविधा नहीं थी, यानी कि पानी बिजली या ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती थी रहने में, लेकिन हम वहाँ रहते थे। सर, अभी पहले से ज़्यादा बेहतर सुविधा है। खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर मुंबई ये संस्था द्वारा हमारे गांव में कुर्माघर बनाया गया है और ये कुर्माघर में बिजली की सुविधा है, लाइट और फैन और पानी की सुविधा है। आदिवासी लोगों को बराबर समझ में नहीं आता, इसलिए स्त्रियों को महिलाओं को बाहर रखते हैं जब मासिक पाड़े आते हैं तब, और वो भी बाहर झोपड़पट्टी पे रखते हैं। वहाँ बारिश के प्रॉब्लम होता है, रात में बिच्छू सांप की भी डर होता है। हमारे माँ भाभी सब लोग पहले बाहर रहते थे, बाहर ही रहते हैं। ये आदिवासी समाज का परंपरा है, इसलिए हम बाहर रहते हैं। ऋतुस्राव बा पीरियड समय रे जणे महिलांको पाई कष्टदायक होइथाय। परंपरागत कटकणा जोगु सेमाने उभय शारीरिक ओ मानसिक यंत्रणा बि पाइथांती। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖେରୁଆଡ଼ି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ମୁକୁଲ ମହାଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଏଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପିରିୟଡ୍ ହୋମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପିରିୟଡ୍ କୁର୍ମାଘର ବୋଲେ ତ କୁର୍ମାଘର କି ସଂକଳ୍ପନା ବୋଲେ ତ ଯୋ ଯୋ ମନ୍ଥ ମେ ଯୋ ଆତି ହେ ପିରିୟଡ୍ସ ଉସକୋ ମରାଠି ମେ ମାସିକ ପାଡ଼ି ବୋଲତେ ଔର ହିନ୍ଦୀ ମେ ମହାବାରୀ ବୋଲତେ। ଓ ଜବ ଆନେ କେ ବାଦ ଏକ ଲଡ଼କି କୋ ୟା ଲେଡିଜ କୋ ଆନେ କେ ବାଦ ଇସ ଗାଁ ମେ ଯୋ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମେ ଏକ प्रथा है कि वो यानी कि अलग रहना यानी कि बाहर अलग रहने से कोई भी उसके घर के जो सामान रहते हैं कोई भी उसको छूना नहीं, क्योंकि ये संकल्पना ऐसे मानते हैं कि आदिवासी समाज के लोग जो उनके देवी देवता रहते हैं कि तो उनको थोड़ा सा छूने से ये हो जाता है, ऐसा उसका ये रहता है, संकल्पना रही थी उनकी उन लोगों की। इसलिए पहले तो बहुत ही अड़चन होती थी, बहुत ही स्थितियाँ बहुत गंभीर तरह की थी, क्योंकि इस जगह पे लड़कियों को पानी तक नहीं मिलता था। जब घर के लोग आएंगे अपना टाइम पूरा अपना काम व्यस्त पूरा करके आएंगे तब उनको कुछ खाने के लिए देंगे या कुछ पीने के लिए देंगे, तब उन लड़कियों को जो वहाँ पीरियड में बैठे वो लड़कियों को खाने के लिए मिलता था। और अभी जो है कि अभी ये कुर्मा घर बना दिए है तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे बेड है और पीने की पानी की सुविधा है, बाथरूम की सुविधा है, यहाँ तक कि आरामदायी बेड वगैरह है, तो इसलिए ये अच्छे से रहकर अपना आराम ले सकते हैं। परंपरा यदि बदलिबा को समय नेउछि तबे सुरक्षा व सम्मान देबा को बाटो काढ़ी हेबो।
कौनसी प्रथा किंबा परंपरा मनुष्यर अधिकार सम्मान और सुरक्षा ठू बड़ नुहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।